ये उसका फैसला है, और कोर्ट का फैसला होता है तो हम लोग तो भाई पालन करते ही है ना, पालन नहीं कीजिएगा तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाता है। तो सबको कोर्ट के फैसले को, आदेश को जो है पालन करना ही चाहिए। दूसरी बात, ये कोई अंतिम जजमेंट नहीं है, छो बार जो भी सजा हुई है, हम लोग हर केस पे अपील में हाईकोर्ट जा चुके हैं, तो निर्णय जो होगा ये अंतिम फैसला नहीं। लालू जी जरूर बड़ी होंगे, हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट नहीं तो जो जुडिशियल जो स्ट्रक्चर जो होता है, हाईकोर्ट कोर्ट के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट होता है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा निचली अदालत का जो फैसला होता है हाईकोर्ट में गलत हो जाता है, या कई बार हम लोगों ने कई कई चर्चाओं को, कई विषयों को देखा है कि भाई हाईकोर्ट में जो फैसला हुआ सुप्रीम कोर्ट में पलट जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, तो अब कोर्ट का फैसला है तो उसका हम लोग पालन तो करेंगे ही, लेकिन आपको एक देश की जनता यही ना देख रही है कि भाई ये तो आज़ादी जब से मिली है और अब तक लगता है कि एक ही घोटाला हुआ है, और कोई घोटाला किसी को दिखाई नहीं, और एक ही नेता है जिनको सजा हुई है, और एक बार नहीं बार बार, यानी केस एक था उसको बांट दिया गया। अरे घोटाला तो एक था ना, कॉन्स्पिरेसी तो एक ही होती है, अब फल्ला फल्ला कितनी बार सजा देगी। देश की जनता जान रही है कि सजा किस कारण जो है गरीबों के मसीहा नेता को क्यों मिला है। अब जेल तो भाई गरीब और गरीब का नेता ही ना गया है, जो अमीर है, जो बड़े लोग हैं, या उनके बड़े लोगों के जो नेता हैं, उन पे कभी कार्रवाई हुई है क्या? बिहार में 80 घोटाला हो गया अब तक 15 सालों के अंदर नीतीश जी के राज में, लेकिन कहां किसी पे कोई कार्रवाई हुई, कहां कोई मंत्री या अधिकारी जो है जेल गया, या देश की अगर बात की जाए तो। ये तो सोचने का विषय है कि भाई जो मुद्दा ही था उसको आप लोगों ने मुद्दा ले बना दिया गया। तो ये सारा विषय हम लोग सब लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं, और देश की जनता तो ये भी देख रही है ना, चाहे विजय माल्या हो, मेहुल चौकसी हो, ललित मोदी हो, नीरव मोदी हो, या दो दिन पहले ही 23,000 करोड़ रुपया लेके जो भागे गुजरात के लोग, इन पे थोड़ी ना कार्रवाई हो सकती, या यार्ड में ड्रग्स मिला कितने हजारों करोड़ का, कोई कार्रवाई हो सकती है क्या? नहीं ना। तो सब लोग तो जानते ही है कि भाई जो सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, मात्र अब बीजेपी का एक पार्टी का प्रकोष्ठ जैसे काम करता है, वही प्रकोष्ठ के रूप में काम कर रहा है, तो इस पे ज्यादा कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करनी है। ये लोग देख रहा है, और जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत हुई है, और जनता की अदालत में लालू जी कभी भी गुनहगार नहीं थे, ना है, और कभी भी नहीं रहेंगे। जनता ने सर आंखों पे बैठाया है। सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, लालू जी की पार्टी, गरीबों की पार्टी, समाजवादियों की पार्टी, जो अमन चैन एकता पसंद करते हैं उनकी पार्टी, तो बिहार की जनता ने इतना बड़ा वोट बैंक अपना आशीर्वाद दिया। तो इसमें निराश होने की किसी को जरूरत नहीं है, हम लोग हमेशा होपफुल हैं कि ऊपरी अदालत से लालू जी को न्याय जरूर मिलेगा। अब तो आजकल तो कुछ भी कह दीजिए तो केस मुकदमा हो ही जाता। अब बताइए ना, हम तो पहले भी कहते थे, मेरा बिना मूछ के ही हम पे जब मुकदमा हो गया, चार्जशीटेड हो गए, कैसे हुए? अरे भाई हम तो कह रहे हैं ना, अभी केस के अगर डिटेल में बात कीजिएगा तो बड़ी लंबी चौड़ी बात हो जाएगी, 24 लोगों को किटल मिला, कुछ लोगों को क्या मिला नहीं मिला, लेकिन एक बात समझने की जरूरत है
कि ट्रेजरी का जो मालिक होता है वो डीएम होता है। लालू जी ने तो आदेश जांच कर दिया, लालू जी ने ही ना आदेश का आदेश दिया तब ना जाकर के जांच हुआ भाई। तो इसलिए हम कह रहे हैं जब लालू जी ने ही आदेश किया जांच का, सीबीआई को भी सौंपा केस, तो लालू जी ने सौंपा, तो लालू जी ने तो अपना काम किया था मुख्यमंत्री रहते हुए। अब कौन क्या किया नहीं किया, लेकिन इसमें कोई गुनहगार नहीं पाया गया, केवल मुख्यमंत्री पाए गए। तो थोड़ा हैरान ये करता है, इसलिए तो हम लोग भाई ऊपरी अदालत में गए ना कि हम लोगों को न्याय मिलेगा। तो इन सारी चीजों की चर्चा जो है वो होगी। सुशील मोदी दिल्ली में कह रहे हैं कि जस करनी तस भरनी, रोपा पैर बबूल का तो आम कहां से पाएगा, दिल्ली में लोगों को कह रहे हैं। नहीं नहीं, हम उनका बयान ना उनको समझ में आता होगा ना किसी को समझ में आता होगा, वो अपने विषय में कह रहे होंगे। आज कहां है